कब आएगी बारात? Hello everyone, this is Mehra Faisal and welcome to my YouTube channel. Welcome to another vlog. आज का दिन बहुत 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 ज़्यादा special है आपके लिए भी और हम सब के लिए भी. और आज हम कोशिश करेंगे कि अपने मेकअप ख़राब ना करें. यू नो वॉट मैं क्या कहना चाह रही हूँ. तो आज है बारात डे. अभी मुझे जाना है अपने मेकअप आर्टिस्ट के पास रेडी होने. अंदर जो है सब कपड़े वगैरह अपने रेडी करें. वो लोग भी जा रहे हैं अपनी अपनी जगह पर रेडी होने. और अभी मैं अंदर जाके आपको सारी सूरत हाल दिखाती हूँ. लेकिन क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस पे मेकअप करवा करवा के मेरी स्किन हो गई है ड्राई, तो मैं एज़ यूजुअल घर में ही करने लगी हूँ अपना हाइड्रा फेशियल. बिकॉज मेरी जो स्किन है वो ड्राई हो चुकी है और मैंने सोचा कि क्यों ना आज के दिन थोड़ा मेकअप इस तरह से हो कि मेरी स्किन पर थोड़ा ग्लो ग्लो आए. सो अभी मैं जाती हूँ, पहले हाइड्रा फेशियल करते हैं, अंदर की चीज़ें दिखाती हूँ आपको और बाकी की चीज़ें साथ साथ दिखाती हूँ. अभी रेडी होने के लिए निकलने लगी थी तो मैंने कहा मैं हाइड्रा फेशियल कर लूँ अपना. तो क्या कहना चाहेंगे, जो भी कर दो मैं आपको कर दूंगी. अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास. तो अपने लिए है, मेरे लिए टाइम बस मैं आपको प्रॉमिस आके आज आके करूँगी वही वाला फेशियल, हाइड्रा फेशियल करती हूँ जो आई के ऑर्गेनिक का. वो बहुत अच्छा ठीक है. बकल के फंक्शन में मेरा हाइड्रा चल डन. तो अभी मैं अपना हाइड्रा फेशियल करने जा रही हूँ और बाकी के स्टेप्स जो है वो मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से करती हूँ. लेट्स गो. ओके गाइस, तो ये पड़ी है मेरी हाइड्रा फेशियल किट. 1 year से यूज़ कर रही हूँ एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट रिजल्ट्स आर अमेजिंग. इसलिए मैंने भी अपने बिग इवेंट के लिए ना इन पे ट्रस्ट किया. बिकॉज मुझे पता है कि मैंने इसको यूज़ किया और मेरे फेस पे झटपट ग्लो आ जाना है. तो मैं भाई आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको यूज़ करने लगी हूँ. ओके गाइस, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड. इसकी जो बेस्ट बात है ना, जो मुझे एक तो ग्लो बहुत अच्छा देती है, दूसरा मेरा फेस जो है हाइड्रेटेड रहता है और सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन हो जाती है बिफोर अप्लाइंग मेकअप. इसके अंदर इसकी जो ज़्यादा अच्छी बात है कि हर स्टेप के ऊपर लिखा हुआ है स्टेप 1 स्टेप 2. लाइक सबसे पहले हमारे पास है ये टोनर, फिर हमारे पास ये क्लेंजर, फिर एक्सफोलिएटर, फिर हमारे पास मसाज क्रीम आती है, फिर हमारे पास ये मास्क आ जाता है, देन हमारे पास ये क्लियर जेल है जो कि ब्लैक हेड रिमूव करती है, फिर हमारे पास ये ग्लो सिरम आ जाता है, एंड देन वी हैव दिस हाइड्रेटिंग जेल. उसके बाद हम ये भी उन्होंने साथ दिया हुआ ताकि हम जब ये मसाज क्रीम लगाएं या कुछ भी लगाएं तो हम इसे अपने फेस पे मसाज करें. दिस इज़ माय फेवरेट थिंग. जब भी मैं प्रोडक्ट लगाती हूँ तो मैं इस तरह से करती हूँ. और इसके अलावा इन्होंने ये दिया हुआ है सन डैमेजिंग सीरम जो कि बहुत अच्छा है. और अब मैं ये यूज़ करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ इंस्टेंट रिजल्ट आपकी आँखों के सामने. तो ये मेरा जो हाइड्रा फेशियल है ना वो झटपट से घर में इजीली जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है. मैं ना आपको इसकी जो रिजल्ट है ना वो थोड़ा सनलाइट में जाके दिखाती हूँ. मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको ना सही से ग्लो नहीं दिखेगा. और ये मैंने यहाँ पे मैस पिला दिया सारा. तो गाइज अब मैं यूज़ करूँगी आई के ऑर्गेनिक का फेस एंड बॉडी मॉइस्चराइजर. दिस इज 2 quart. मैं इसकी इतनी सी क्वान्टिटी लेती हूँ एंड लाइक कर ले. इसकी स्मेल इतनी अमेजिंग है कि यमी. मेरा फेस हो गया इस टाइम फुली प्रेप और द मेकअप. अब मैं अपने फेस पे जो मर्जी अप्लाई करूँ इससे ज़्यादा वो नहीं होगा कि मैंने फेस पे क्या लगा लिया. क्योंकि जब आप कंटिन्यू मेकअप करते हो ना तो आपके साथ होता है ऐसा. अक्सर मेरे साथ तो होता है क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है तो मुझे लगता है कि यार मेरी स्किन हमेशा जो है वो मॉइस्चराइज रहनी चाहिए क्योंकि मॉइस्चराइज स्किन खिली खिली लगती है. सो मैं इसका लिंक कमेंट में भी पिन करूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रही हूँ, जाके ज़रूर परचेज कीजिएगा. और अब हम लोग निकलते हैं घर से. सो गाइस मैंने अपना हाइड्रा फेशियल वगैरह जो है कर लिया है और मैं आपको यहाँ पर आई हूँ अपना इंस्टेंट रिजल्ट दिखाने. एज यू गाइस कैन सी ये ग्लो पहले नहीं था, जैसे ही मैंने फेशियल किया मेरे स्किन पे इंस्टेंट वाला ग्लो आ गया. मैं हमेशा हाइड्रा फेशियल के बाद मॉइस्चराइज करती हूँ लेकिन मुझे लगता है कि हाइड्रा फेशियल के फौरन बाद ही मेरे स्किन पे इतना अच्छा ग्लो आ जाता है कि मुझे मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. ये आई के ऑर्गेनिक का हाइड्रा फेशियल इतना अमेजिंग है कि आई कैन टेल यू. मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, अगर आपको भी परचेज करना है तो गो एंड विजिट देयर वेबसाइट. इनकी वेबसाइट पे और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं. इनकी और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स में से मैं इनका मॉइस्चराइजर जो है वो यूज़ करती हूँ जो कि मैं अभी यूज़ करने लगी हूँ, अभी भी यूज़ करूँगी, मेकअप जब करवाऊँगी उससे पहले भी यूज़ करूँगी क्योंकि उससे भी आपकी स्किन की ग्लास स्किन लुक आती है.
सो अभी हम लोग अपना मॉइस्चराइजर पकड़ेंगे, अप्लाई करेंगे और निकलेंगे मेकअप आर्टिस्ट के पास अपना मेकअप करवाने के लिए। तो भाई गाइस मैं यहाँ पे नीचे आई हूँ, यहाँ पे इन्होंने बॉक्सेस की तैयारी भरपूर जोरों शोर से स्टार्ट की हुई है। यहाँ पे फिटिंग्स चल रही है राबिया की। राबिया का आपको फुल ड्रेस खुद दिखाएगी वो, ठीक है। मैं निकल रही हूँ। तुम्हारी स्किन क्यों इतनी ग्लो मार रही है, कह रहा है क्या कर कर आके आई हो? बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले। यार मैंने वो अपना फेशियल किया, अभी मॉइस्चराइजर लगाया, अब मैं निकल रही हूँ सैलून के लिए। तुम लोग फटाफट ये रेडी कर लेना। ऊपर मैंने प्रॉप्स रखी है दूध पिलाई की, और वो मैंने पापा को बोल दी है वो लाजमी लेके आनी है, ठीक है। चलो बाय। अब हम लोग अपना सामान वगैरह जो हमने गाड़ी में रखवा लिया, अब मैं निकलने लगी। गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं होटल, और यहाँ पे मेरी जो मेकअप आर्टिस्ट है वो मेरा कब से वेट कर रही है। तो हम अंदर जाते हैं, मेकअप स्टार्ट कराते हैं और साथ साथ आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मैं आने से पहले सारा मेकअप जो है वो सेट करके रखा हुआ है। आई थिंक ये होटल की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ मिली है। इतनी मज़े की लोकेशन और यहाँ पे इतना मज़े का शूट निकलने वाला है ना, जो यहाँ से व्यू आ रहा है, ओ माई गॉड। सो अभी हम लोग रेडी होते हैं। मैं हमेशा से ये कब से रेडी नहीं हो रही है, तो छितर पड़ेगा तुझे। ओके गाइस, तो ये मैंने अपना जो है असबाब सामान वो पहन लिया है, क्योंकि मैंने लेंस वगैरह लगा लिया, मेकअप स्टार्ट होने लगा। सबसे पहले स्किन प्रेप होगी, मैंने सबसे पहले अपना फेस मॉइस्चराइज किया है आई क्यू ऑर्गेनिक का मॉइस्चराइजर, जो कि मैं घर से भी यूज़ करके आई थी। और आप देख सकते हैं मैंने अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया। अब हम अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, टाडा, दिस इज माई मेकअप लुक। अभी बाल होने, अभी कपड़े पहने और फिर फाइनल लुक आपको ना इसके बाद दिखाती हूँ। इतना इतना प्यारा मेकअप किया है ना मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने, आई कैन टेल यू। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, मेरी इनसे लुक्स पे बात हो रही थी, मैंने कहा आप इट्स अप टू यू, और इन्होंने इतना मज़े का मेकअप किया। सो मच, मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ काम करके, आपका मेकअप कवर करके। थैंक यू थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा। अभी आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे एंट्री मारी है मेरी अम्मा ने, इनको रास्ते नहीं मिल रहे थे। बड़ी मुश्किल से पहुंची हूँ आज मैं विदाउट बेटियों के, अकेली आई हूँ। अकेली अकेली आई है। तो कैसा रहा आपका अकेली का सफर? मजा आया, बल्कि अब मुझे पता चला अकेले कैसे जाते हैं। ये साथ जहाँ जाती है मेरे साथ होती है, आज नहीं थी कोई भी। मेरा मेकअप कैसा लग रहा है? मेरी अम्मा अपना मेकअप करवा रही है फुल इंस्ट्रक्शंस के साथ कि ये करना है, वो नहीं करना, वो करना है, ये नहीं करना। ओके गाइस, तो मेरी अम्मा जो है वो रेडी हो चुकी है, मैं भी रेडी हूं। आज हमारी ट्विनिंग हुई है सूट की भी और मेकअप की भी, सब चीजों की ट्विनिंग हुई भी। और अब हम लोग निकल रहे हैं वेन्यू के लिए। हम दोनों सबसे डिफरेंट लगेंगे, वाह। यस ओके गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं लोकेशन पे। दुल्हन पहुंच चुकी है मामा? दुल्हन आएगी जब। सेटअप कितना प्यारा लग रहा है, आपको अंदर जाके दिखाते हैं सारी चीजें। सो लेट्स गो भाई, अब हम लोग एंटर हो रहे हैं। प्यारी लगी, मैं तो कहूँगी आप ही पकड़ लें। रोने के टाइम पे टिश्यूज मुझे मेरे दे दीजिएगा, मैंने तो अपने पहले ही इंतजाम कर लिया कि अगर कहीं रोना आए ना तो मैं फटाफट टिश्यूज से साफ कर लूँ। मैंने इसीलिए रख लिया सबके लिए कि कहीं इधर उधर से टिश्यू ना मिले तो हम आंसू वैसे ही साफ कर लें। ओह माय गॉड, कितनी प्यारी एंट्री रखी हुई है मम्मा। शादी हॉल में ना सबसे पहले मेरी अम्मा और मैं आए हैं रिसीव करने के लिए, ना मेरी बहनें आई हैं, ब्राइड आ चुकी है वो, उसकी एंट्री धूमधाम से होगी, आपको फिर दिखाएंगे। अभी मैं आपको अपने अब्बा की दिखाती हूँ, अभी वो यहाँ पे खड़े होकर ना डिस्कशन कर रहे हैं। एनू देना है, एनू बोता था। अभी अभी मामा आपका और पापा का कपल शूट करवाना है, यहाँ खड़ा हो। यस, आपकी एंट्री नहीं, आपकी बेटी की एंट्री होनी है। पहले हमारी होगी ना बात, मामा पता चले मामा पापा अपनी एंट्री कर रहे हैं पहले, है कि नहीं है? हो गया पापा। यार पापा काम में बिजी, आपका शूट अभी होगा वरना नहीं होगा, मेहमान आके फिर कुछ। और साइन बोर्ड उनके नीचे रखे हुए हैं, उनको बता दें आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी यहाँ पे शूट हो रहा है, इन्होंने वॉक करानी है मेरे अम्मा पापा की। गोरी करे तू सिंगार, गोरी करे तू सिंगार। गाइस, तो अब हम लोग यहाँ पे ना साइन बोर्ड्स निकाल के खड़े होंगे और डिमांड करेंगे कि बारात कब आएगी। और एक और बात बता दूं गाइस, आज हम लोगों ने ना जूता छुपाना है ना दूध पिलाई लेनी है, सच में। क्यों? और ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। हम लोगों ने यही बताया कि कुछ भी नहीं हमने करना, ना जूता छुपाई करनी है ना दूध पिलाई करनी है, बल्कि सब कुछ करना है। ये मेरी बहन की शादी, बारात कब आएगी, ये वाले ऐसे चार आई थिंक ये निकालने हैं। और ये दुल्हन की बहन, कुछ इस तरह के साइन बोर्ड। दुल्हन की बहनों की दोस्त ने क्यों नहीं तुमने मेंशन किया? हाँ मैं भूल गई, कोई बात नहीं, तुम लोग प्ले वो पकड़ लो ना, दुल्हन की साड़ी में आ सकते हो।
दुल्हन की फौज में आ सकते हो तुम। हाँ दुल्हन, अरे दुल्हन की फौज लिखवाया तो है, तो तुम लोग सब दुल्हन की फौज ही तो हो। और ये है हमारे वो दूध पिलाई के ग्लास, और मजे की बात हम लोगों ने चार दूध पिलाई के ग्लास रखे, चारों सालियां दूध लेके जाएंगी इसमें डाल के। बॉक्स वाला दूध है भाई, सस्ता सा दूध है, लेकिन दूध पिलाई हमने बहुत महंगी लेनी है, हैवी वाली। हमने एक ट्रिक लगाई है दूध पिलाई की, इसमें हम लोगों में चारों में से किसी एक ग्लास में दूध है, चारों में दूध होगा, बट हम चारों के स्ट्रॉल नीचे से बांध देंगे। हेलो, ओह माय गॉड, लुक एट यू। और गाइस यहां पे आई है मेरी प्यारी बहन, मुझे ऐसा लग रहा है मैं लग रही हूँ कि आप भी को ब्राइडल रूम में मेरी जरूरत है, तो अभी मैं वहाँ पे जा रही हूँ। और यहाँ पे ये देखिए ज़ेनब, लुक एट हर, वाओ, सो अमेजिंग, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ वाओ। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे, मैं आपको फातिमा भी दिखा देती हूँ, हल्की आँच पे फातिमा, तो ये हमारी हल्की आँच पे फातिमा। हेलो यार, मेरी माँ नहीं मिल रही है मुझे, मेरी अम्मा ढूंढ के दो, दुल्हन उधर मुझे बुला रही है, उसको ज़रूरत है। और अभी मुझे यहाँ पे इधर भी ये भी करना है, अभी वो पत्तियाँ वगैरह उन्होंने रखी हुई हैं, अभी बारात आने वाली है, और बारात के लिए हमने स्पेशल साइन बोर्ड बनाया। भाई आप लोग बहुत लेट हैं, कब आएगी बारात, कब आएगी, जल्दी आ जाए, हमारी दुल्हन वेट कर रही है। मेरी दूसरे बैग में पड़ी हुई है, आप ही आप ही के पास है, सेफ्टी पिन चाहिए, लगा दी हैं? नहीं, मुझे तूने बताया नहीं इस किस में है, मैं उधर घूम के आ गई पूरा। चले आए चले, कहाँ, मैं अब नहीं जा रही, मैं इतनी दूर, पहले दूर है इसलिए मम्मा से भी मैं दूर दूर होके मिल रही हूँ। इमोशनल मत करो मुझे, नहीं कर। और ड्रेस तुम्हारा भी बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लुक कैसी है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी। खूबसूरत ये डिफरेंट लग रही है, मोबाइल और चारों वाली रील लग रही है ना यहाँ पे, बहुत अच्छी लग रही है। प्रॉपर ध्यान दिया गया है, तुम दोनों सेम लग रहे हो, मैं और मामा सेम लग रहे हैं। हीरा के ड्रेस ने सारी जगह क्या है, बहुत नहीं है सिर्फ। चलो गाइस बारात के लिए, चलो भाई बारात आ गई है। और वो दुल्हन की बहन मैं ये पकड़ लेती, लेकिन हमने फूल भी तो फेंक दिए ना, फूल फूल आप लोगों ने नहीं फेंकी है, बच्चों को दो ना, बच्चों को दो ना, फूल बस इनको दो, फूल उधर रखे हुए हैं, बहन की शादी, ये मेरी बहन की शादी, ब्राइड के रूम से मोबाइल चाहिए, एस्ट्रोलॉजी ब्राइड का मोबाइल चाहिए, हां मेरे मोबाइल चला लो, उधर मेरी बहन की शादी भी हम पकड़ेंगे, तो अभी नहीं पकड़ना, क्या फिर एस्ट्रोलॉजी अभी नहीं पकड़ना, अरे यार मामा को देना पकड़ना, ठीक है ये मेंटेन, एस्ट्रोलॉजी मुझे दे, किसकी एंट्रेंस पर यार, अभी वो आ रहे हैं ना दूल्हे वाले, के दूल्हे वालों की बारात आएगी, बारात कब आएगी, वाला की बात है, इसके पास बड़े बच्चे बुलाओ ना, वो आएगी आगे आ जाओ आप लोग, तीन रजिस्टर होने चाहिए कि आप लोग लेट आए हैं। अच्छा उसको भी बुलाओ, मैं वो वाहिद बहन हूँ जो सबसे पहले आई, और वो किधर है, उसकी शादी सोनिया किधर है, उसके पास वो था, हम अभी दुल्हन को रिसीव, दूल्हे को रिसीव करें, गाइस सेटल हो जाए, गाड़ी लेके गया रात में आना, सेटल हो जाए, मैं रुको बारात उसके लिए बुला के लाई, बच्चों टीम ब्राइड सब इधर इधर हो जाओ, बारात आ गई है, सब सेटल हो जाए, सबको फूलों की प्लेट्स पकड़ा दो, मैंने और मामा आगे आ जाए, सबको फूलों की प्लेट्स, मैंने और मामा आगे आएंगे, बाकी सब इधर इधर सेटल हो जाए, फूलों की प्लेट्स यार इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, सब लोग लाइन पे हो जाएं प्लीज, मेरा साइन बोर्ड नहीं अच्छा, मेरा साइन बोर्ड नहीं अच्छा, हमारा फेस इधर होगा, पहले जैसे ही वो लगाएंगे हम इधर इधर चल चले जाएंगे, मामा उधर चले जाएंगे, पापा किधर है, मुझे नहीं पता, पापा भी रिसीव करेंगे, दुल्हन की दुल्हन की दुल्हन का बाप ही नहीं रहना रह गया, आज लग रहा है दुल्हन के फादर ही नहीं है यार, मेरा अरे रास्ते में आ रहा, गाइस हम लोग ऐसे खड़े होने हैं, फेस इधर होगा, इस बड़ी बहन हूं ना मैं, सबसे आगे आऊंगी, अब मैं इनकी बड़ी बहन, मेरे हाथ में है ना, मेरे हाथ में है ना ये मैं पकड़ूंगी, अब मेरे पास आया सही साइन बोर्ड, ये किसने निकाला, ये मेरा कॉन्टेक्ट है, मैंने दूल्हे को पहनाना है, अभी पहनाओ पहनाओ अभी पहनाना, बाद में कब, बारात आ रही है, लेट 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 लेट
पहले बारात आएगी फिर दुल्हन आएगी, हमने दुल्हन ऐसे नहीं दिखाई। कितना वेट करवा रहे हैं यार लड़के वाले। पापा भी आ रहे हैं, पापा आ गए, जिंदगी का पहला वाहिद दिन है जहाँ हम पहले खड़े हुए हैं। सबसे पता हमेशा लेट होते हैं। तुम लोगों ने मुझे सबसे लास्ट पे खड़ा किया था, कुछ नहीं होता प्यारी, यहाँ पे ये सब लोग खड़े हुए हैं। मेरी अम्मा ना रो रही है हल्का 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 हल्का, और यहाँ पे सारी ब्राइडमेड्स बारात कब आएगी लेके खड़ी हुई है। बारात कब आएगी, ढोल की आवाज़ तो सुनाई देना शुरू हो गई। यहाँ पे सारे जो मर्द हजरात है वो मर्द हजरात खड़े, फूलों की माला लेके खड़े हैं। रात की लाइन ने तो देखो यार, सारे लाइन बना के खड़े हुए हैं। और यहाँ पे क्या है, लाइन बना के खड़े हुए हैं और फूलों की मालाएं गले में डाल लेंगे। सब तीनों दोस्त कह रही है इनकी पिक्चर लो, तीनों सच के खड़ी हुई है। सब कहो बारात कब आएगी और ऊपर करो बारात कब आएगी। मुझे भी नहीं पता, हम भी वही खड़े इंतजार कर रहे हैं, करेंगे रास्ता रुकाई और पैसे लेंगे, पैसे रास्ता रुकाई। और यहाँ पे चीटिंग हो रही है, सुना इधर रास्ता रुकाई। एस्ट्रोलॉजी हर चीज के पैसे मांगती है, रास्ता रुकाई, रास्ता रुकाई, रास्ता रुकाई, रास्ता रुकाई। कितने लेने डिसाइड कर लो, 5 लाख मैं लूंगी, करोड़, 40 लाख, 40 लाख, कहेंगे 5 लाख, 25 लाख, 1 लाख, 1 लाख। अरे देने वाले तो बने, ¡Gracias!
बैठ चुके हैं वहाँ पे, शायद बैठ चुके हैं, यस वहाँ पे बैठ चुके हैं, वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह हो रही हैं। अब हम लोग अपनी दुल्हन को लेने जा रहे हैं और अब हम लोगों की ग्रैंड एंट्री होगी और हमें बेस्ट बात है कोई रोकने वाला नहीं है, कोई ये कहने वाला नहीं है कि पैसे दो और फिर अंदर आने के लिए मिलेगा, क्योंकि हम लोग खुद ही रोक रहे हैं। और आज हम लोग बदतमीज़ हुए हैं इस बारे में कि हमने हर चीज़ में पैसे दे दूल्हे की साली है हम, ठीक है, हमने हर चीज़ पे अभी स्टार्टर्स खुल गए, सब लोग खा रहे हैं वो, और फिर आपको बात में दिखाते हैं।